हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन शी। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा पैक जो आपकी स्किन से बढ़ती हुई उम्र की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। आज मैंने स्पेशली हाथों पैरों की झाइयों के लिए ये पैक बनाया है। बढ़ती हुई उम्र के कारण हमारी स्किन लटक जाती है, इस पे स्पॉट्स हो जाते हैं, स्किन की चमक खो जाती है, साथ ही फाइन लाइंस और पैचेस दिखने लगते हैं। उम्र के धीरे धीरे बढ़ते ही हमारे हाथों पे सबसे पहले फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, स्किन पे लंबी लंबी लाइंस बनने लग जाती हैं, साथ ही स्किन पुरानी होने की वजह से स्किन पर डार्क पैचेस और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। अगर आप इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा पैक बताऊंगी जो आपकी इन सभी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो आइए चलिए देरी ना करते हुए इस पैक को बनाना सीख लेते हैं। इस पैक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी सरसों के दानों की, यानी मस्टर्ड सीड्स। इसमें कैरेटिन और ल्यूटिन होता है जो हमारी स्किन से फाइन लाइंस और झुर्रियों को ख़त्म करता है। साथ विटामिन सी और ई होता है और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। साथ ही हमारी स्किन और हेयर को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखती है। यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच सरसों के दाने को लिया हुआ है। सरसों के दानों में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे स्किन के बैड बैक्टीरिया को भी ख़त्म करती हैं। इसके बाद एक मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए और उसमें इसको पीस लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आपका यहाँ पे एक फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। ये पाउडर आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये आपकी स्किन को फ्रेश और स्मूथ बनाएगा, साथ ही एक क्लींजिंग इफेक्ट देगा। ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। इस बनाए हुए पैक को आपको अपने फेस पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, उसकी वजह से ये इचिंग भी कर सकता है। इससे आपके फेस पर जलन भी हो सकती है। पेस्ट बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी सबसे पहले 2 चम्मच मस्टर्ड सीड पाउडर की और 2 चम्मच ही हंग कर्ड की। हंग कर्ड हमारी स्किन को स्मूथ बनाएगा, साथ ही एक क्रीमी टेक्सचर देगा। अब हमें इसमें ऐड कर देना है 2 चम्मच बेसन। बेसन हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल को ख़त्म करता है और हमारे स्किन पर जो एक्ने हो जाते हैं उनको बढ़ने के चांसेस भी कम करता है। अब हमें ऐड करनी है हल्दी, जो कि हमारा एक बेस्ट किचन इंग्रेडिएंट है, साथ ही एक ये नेचुरल ब्लीच का भी काम करती है। अब हमें ऐड कर देना है इसमें लेमन जूस, जो हमारी स्किन से लेमन जूस हमारी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को हटाता है और हमारी स्किन को लाइट टाइटन और ब्राइट बनाता है, साथ ही हमारी स्किन को भी इवन टोन करता है। यहाँ हमने आधे नींबू का रस निचोड़ लिया है। अब हमें ज़रूरत होगी एलोवेरा जेल की, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, साथ ही हमारी स्किन के ओपन पोर्स को भी ख़त्म करता है। एलोवेरा जेल की बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इससे हमारा पूरा पेस्ट स्मूथ बनेगा। अब हमें रोज़ वाटर की हेल्प से इसको एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पर अपना पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। आप इस पेस्ट को हफ्ते भर के लिए बना के रख सकते हैं और आपको इसको डेली दिन में 1 से 2 बार अपने हैंड पर लगाना है, लेग पर अच्छे से लगा के स्क्रब करना है, जिससे आपकी स्किन भी स्मूथ होगी। ये पैक ऑयली स्किन वालों के लिए और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ओपन पोर्स भी ख़त्म होंगे, एक्ने और ऑयली स्पॉट्स की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, है ना ये कितना मल्टीटास्किंग पैक, जिससे हमारी स्किन की मोस्टली प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो जाएंगी। आप इस पैक को अपने हैंड पर लगाकर छोड़ सकते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए लगाना है और उसके बाद इसको स्क्रब करना है। जैसे आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने सर्कुलर मोशन में मैं रब करके स्क्रब कर रही हूँ। तो वीडियो में बताया गया ये तरीका आपको पसंद आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो ये है हमारा फाइनल इफ़ेक्ट हमारी स्किन का। स्किन बिल्कुल स्मूथ, ग्लोइंग और चमकदार बन चुकी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को सबसे पहले। तो मिलती हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।